फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो टॉपिक, इवन इफ और इफ सो। यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इवन इफ और इफ सो का क्या इस्तेमाल है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। अगर ऐसा है तो तुम झूठ क्यों बोले? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई। यानी अगर ऐसा है के लिए आप कहेंगे इफ सो, और तुम झूठ क्यों बोले के लिए आप कहेंगे Why did you tell a lie? हो सकता है फ्रेंड्स आप ये सोचें कि ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हुआ, यानी इसका क्या तरीका है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि टेंस का लेसन या बेसिक लेसन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको बखूबी सिखाया कि अगर आप ग्रामर में कमजोर हैं या फिर आपको ग्रामर बिल्कुल समझ में नहीं आती, फिर भी आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करें जो मैंने वहाँ पर बताया, तो आप उर्दू वाले सेंटेंसेस को बड़े आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। यानी उर्दू वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक लेसन चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आपको बेसिक के सभी कंसेप्ट मिल जाएंगे, जहां मैंने ट्रिक से समझाया है कि अगर आपके पास वोकैबुलरी है यानी वर्ड्स पावर है, तो फिर आप बड़े आसान तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर ऐसा है तो तुम उससे बात क्यों करते हो? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ सो व्हाई डू यू टॉक टू हर। यानी अगर ऐसा है के लिए मैंने बोला इफ सो, तुम बात क्यों करते हो के लिए Why do you talk to her? आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि आप इस बात को अच्छा से सीख सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर ऐसा है तो तुमने उसको बताया क्यों नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे If so, why didn't you tell him? यानी अगर ऐसा है तो तुमने उसे क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो तुम एक नया मोबाइल क्यों नहीं खरीदते हो? तो आप कहेंगे If so, why don't you buy a new mobile? यानी अगर ऐसा है तो तुम एक नया मोबाइल क्यों नहीं खरीद देते हो? अगर ऐसा है तो तुम वह नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते हो? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे If so, why don't you leave that job? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे If so, why didn't you come here? अगर ऐसा है तो तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो? If so, why don't you try? अगर ऐसा है तो तुम पैसा क्यों नहीं बचाते हो? If so, why don't you save money? अगर ऐसा है तो तुम माफी क्यों नहीं मांगते हो? If so, why don't you apologize? अगर ऐसा है तो तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हो? If so, why don't you learn English? आइए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखते हैं। चाहे तुम मुझे पैसा दो, मैं यह काम नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Even if you give me money, I shall not do this। यानी चाहे के लिए आपने लिखा Even if। आइए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखते हैं। भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Even if you abuse me, I'll not teach you। यानी चाहे तुम मुझे गाली दो, या भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। चाहे तुम मुझे डांटो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो आप कहेंगे Even if you scold me, I'll not talk to you। भले ही तुम मुझे अनदेखी करो, लेकिन मैं तुम्हारा परवाह करूंगा। तो आप कहेंगे Even if you ignore me, I'll care you। चाहे तुम नकल कर लो, तुम पास नहीं होगे। तो आप कहेंगे Even if you cheat, you will not pass। चाहे तुम जीत करो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो आप कहेंगे Even if you insist, I shall not give you money। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको Even if का यूज शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।